राजस्व परिषद की विकास भवन सभागार में मंडलायुक्त जयंत नलिकर की अध्यक्षता में मंडल के सभी जिलाधिकारियों, सीडीओ और सीएमओ सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मंडलायुक्त ने मंडल में गौशालाओं में रहने वाले गौ की देखभाल की सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए और जिस गौशाला में जितनी संख्या रखने की है उससे अधिक गौ को न रखा जाए ये निर्देश दिए। साथ ही राजस्व वसूली के लिए भी सभी जिलाधिकारी को अपने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें निर्देशित किया। मैंने तो नहीं देखा यहाँ पर, इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो उपाय होगा ना। नहीं तो सरकार का पैसा वापस कर दीजिए, 30 लाख है तो हमको सोच के दिया होगा ना। करिए इसको, कराइए, कहीं पर शुरू नहीं हुआ, देवरिया में भी शुरू नहीं हुआ कुछ। कराइए, सीएमडीएस के पास बहुत काम है, इतना कर सकते हैं, मना कर दिया ना भी सीखे, हालांकि मैं उसको समझा नहीं सकता, लेकिन रफली अभी 150 से ज्यादा है, बुरा नहीं होगा कि आप इस स्थिति में कहना। मुझे एडी पशुपालन से जो सहयोग मिलता है उसको नहीं मिलता, डॉक्टर त्रिपाठी ने वो नहीं क्या हम बोलिए सर, उद्यम से भी मिल सकेगा की बात।